या पीछे से भी इसको हवा लगनी चाहिए। फटा भाई बाहर आ गया है, पूरा टेढ़ा हो गया फटा। ओहो, करवाते हैं टायरों का अलाइनमेंट का और त्रिपाल बॉडी का, मतलब ये 14 टायरी गाड़ी है तो फेज टू है ना यूनुस भाई। फेज टू गाड़ी है तो सबसे पहले देखते हैं यूनुस भाई के टायर की जो रिम होती है ना भाई, भाई ने सब रिमूव कर। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हो सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हम पहुँच चुके हैं अगरतला, क्योंकि पिछले व्लॉग में देख लिया होगा हमने पहुंच ही चुके थे KFC ट्रांसपोर्ट पर। तो लेकिन व्यापारी ने बोला कि पीछे रुक जाओ भाई, आज गाड़ी खाली नहीं होगी, हमारे तरबूज लोड है। तो रुके थे हम रात को यहीं पे, आराम से सो गए थे। और अभी ना गाड़ी वहाँ से पेट्रोल पंप पे धूप थी और थोड़ी छाँव में निकाल के, मतलब पेड़ के नीचे लगाई है गाड़ी। यहाँ एक घरवाला था, उससे भी हमने पूछा, बोलने लगा कोई बात नहीं, लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। वैसे बहुत अच्छे लोग हैं यार, ये नहीं है कि हम, मतलब कई सारे लोग, या हम भी, मैं भी सोचता हूँ कश्मीर में रह के कि भाई वहाँ के लोग अच्छे नहीं है, ये है वो, बहुत रेस्पेक्ट देते हैं भाई। अपना आप ठीक हो ना हर किसी के साथ तो सब ठीक है, बहुत रेस्पेक्ट देते हैं हम लोगों से, चाहे कोई गरीब है अमीर है, लेकिन फिर भी डिसिप्लिन और रेस्पेक्ट बड़ी चीज़ है भाई, बहुत रेस्पेक्ट दिया। तो चलो हमने भी लगा ली गाड़ी छाँव में, अभी मैं बाहर दिखाता हूँ कहाँ पर लगाई है हमने। तो लेकिन अभी मैं जा रहा हूँ, आशिक भाई गया सब नहाने के लिए और यहाँ पे अपनी सब्जी वगैरह देख रहे हैं तैयार हो रही है। और ना मेरे चल गए, और ना मेरी कल एक दो वीडियो पिछले ना, मतलब एडिट नहीं किए थे क्योंकि गाड़ी चला रहा था आशिक भाई, तो हिल में गाड़ी नहीं चला पाई और मैंने दी भी नहीं, तो वैसे भी चला भी नहीं सकता क्योंकि अभी ट्रक बड़ी गाड़ी है। तो बशारत भाई तो चला गए थे, वो चला ले तो, अभी मैं वीडियो एडिटिंग कर रहा हूँ यहाँ पे, ये देख रहे मेरा सब सिस्टम खुला रखा है। तो बशारत भाई की ना आईडी का वो नाम है, ये हटाएंगे नहीं हम, ये नहीं हटाएंगे क्योंकि अगर वो चला गया ना, वो सोचेगा नहीं भाई जब तक मैं गाड़ी के साथ था तो मेरा नाम था, अभी मैं चला गया हूँ तो मेरा नाम मिटा दिया। लेकिन नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है, किसी का नाम हम मिटाएंगे नहीं, जो प्यार से आया प्यार से गया, बहुत अभी भी वो बहुत प्यार करता है अपनी गाड़ी के साथ। तो चलो भाई का भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलो हम ये अब खाना वगैरह बना लेते हैं और आशिक भाई आ रहे हैं अंदर से नहा धो के, और उसके बाद मैं आपको बाहर का थोड़ा व्यू दिखाऊँगा, KFC ट्रांसपोर्ट भी दिखाऊँगा और यहाँ पर मैं आपको थोड़ा मतलब बाहर का व्यू भी अभी दिखाता हूँ। आ गए आशिक भाई नहा धो के, और आशिक भाई PODO आपके लिए मैंने रखा था, और इसके ऊपर बैठा 2 मिनट, आपको सर्दी लग गई ना के आए ना कांगड़ी के बदले प्रेशर सेक रहा भाई। तो चलो भाई अभी प्रेशर हमारा दे रहा है सीटी, अभी देखते हैं कितने टाइम, और वहाँ पे देख रहे हो आप पत्थर का काम कर रहे हैं, ये ईंटे वगैरह काट रहे हैं। तो चलो अभी हम उनके पास जाएंगे, थोड़ा वहाँ का भी अता पता देंगे। दोस्तों वहाँ थी पहले गाड़ी, वहाँ से ला के यहाँ पे रखी थी, ये वाला देख रहे हो ऊपर से मतलब पेड़ की छाँव भी है, तो यहाँ छाँव के नीचे लगाई थी गाड़ी क्योंकि ना अब माल खतरा रहता है। तो अभी शाम के टाइम यहाँ से निकलेंगे और यहाँ का थोड़ा देखिए व्यू, बिल्कुल रोड के सामने उस साइड में लगाए। तो वैसे है भी ठंडी यहाँ पे, अच्छी हवा वगैरह भी अच्छी चल रही है अभी, तो पसीना तो चल ही रहा है। तो लेकिन अभी देखते हैं कितने टाइम में, शाम के टाइम ही तकरीबन जाएंगे। और यहाँ पर देखिए साथ हमारे बगल में ही पत्थर का काम कर रहे हैं अभी, ये वाले पेंटिंग का काम, ये जो है ना, ये मतलब जैसे हम मकान घर में पत्थर, कश्मीर में ये पत्थर वाले ये होते हैं ना, हम लेंटर में रेता पत्थर वो रोड़ी छोटी छोटी वो डालते हैं, सीमेंट डालते हैं और मकान के ऊपर लेंटर डालते हैं, लेकिन यहाँ पे ना ये वाला पत्थर यहाँ पे बहुत महंगा है, ये ईंटों को तोड़ के, वो देख रहे हैं ईंटों तोड़ के छोटी छोटी टुकड़े बना के, तो उसी का ये बन जाता है सब कुछ, फिर इसमें सीमेंट रेत सब कुछ डाल के मकान के ऊपर स्लेब लेंटर जैसे कहीं भी कुछ डाला जाता है। और ये वाली चीज़ मतलब इसमें भी किस्म है, एक वाला एक उधर है एक इधर है, जैसे कच्ची ईंट पक्की ईंट जो भी है, लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ ईंटें सस्ती होंगे जिस हिसाब से ये तोड़ा जाता है। आ जाओ, तो यही भाई हमारे जो यहाँ से माल वगैरह भरवाते हैं यहाँ के, क्या नाम है छोटा, क्या नाम है? आकाश। आकाश भाई ये KFC ट्रांसपोर्ट पे होते हैं, जब भी आओगे यहाँ पे तो भाई से ज़रूर मिलना है, बहुत अच्छे, आओ ना ऊपर आओ यार। तो खाना वगैरह खा के बैठे थे गाड़ी में और मैंने सोचा ना क्यों ना गाड़ी थोड़ी सी आगे कर देता हूँ, यहाँ पे ना बैक साइड में धूप आ रही है, अभी मैं बाहर निकल के त्रिपाल भी थोड़ा ऊपर करूँगा, वो पूरा दिखाऊंगा। और देखो यहाँ पे गाड़ी स्टार्ट कर ली, थोड़ी सी आगे कर लेता हूँ, चुका हूँ मैं गाड़ी के ऊपर, ये साइड से त्रिपाल को थोड़ा ऊपर करूँगा, यहाँ देख रहे हो इस वाले पेड़ के नीचे लगा रखी थी हमने गाड़ी, इसको थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ। अभी तक ना टाइम 2 बज रहे हैं, अभी तक हमने खोला नहीं है हवा, लेकिन गाड़ी ठंडे में है, कोई दिक्कत वाली है। ये घर वाले हैं साथ में, इन्हीं को 100 रुपया दिया और एक तरबूज दिया, तो बोला लगा लो गाड़ी कोई दिक्कत नहीं। मैंने कर दी त्रिपाल ऊपर यहाँ साइड से आगे से, इतनी सारी ठीक है क्योंकि गैस जो होगा निकलता, वैसे तो उतना गैस है नहीं लेकिन फिर भी ठीक है। यहाँ लोग देख रहे हैं हमें भाई कि ये भाई क्या कर रहा है। तो नीचे चेक करो दोस्तों, नीचे देख रहा हूँ कि कहीं पानी तो नहीं छोड़ा है माल ने, अभी तो वैसे पानी नहीं छोड़ा है, बिल्कुल फ्रेश है,
जो माल पक जाता है ना भाई, माल पानी छोड़ गया एक जगह, वहाँ पर छोड़ गया पानी। यहाँ बिल्कुल ठीक है, यहाँ भी ठीक है। यहाँ से ना पानी आ रहा था सुबह सुबह यार, खाली कर देते यार। ये कच्चे माल की ना बहुत परेशानी रहती है, अभी खाली करने चाहिए। बैठे थे मैंने त्रिपाल वगैरह भी थोड़ी खोल दिया। आशिक भाई गए हुए थे मार्केट, अभी आ रहे हैं, तो आशिक भाई ने लाई उधर से। मुझे ना भूख बहुत कम लगती थी और मेरे लिए ये दवाई लेके आए भाई। बोल रहे हैं 10 ml पीनी है रोज़ के, मतलब दिन में कितनी बार? दो बार हैं सुबह शाम। तो आशिक भाई मेरी सेहत की बहुत परवाह करते हैं, मतलब बहुत। तो देखो भाई इतनी गर्मी में इतना कुछ किया, उधर गए मेरे लिए दवाई लाई, और डॉक्टर को भी फ़ोन किया कश्मीर, उसने बोला कि फ़लानी दवाई, इतना बोला तो वो दवाई लेके आ गए। तो चलो भाई का बहुत बहुत शुक्रिया। अब देखते हैं भाई कितने टाइम में भूख लगेगी ना। मुझे बहुत मतलब भूख बहुत कम लग रही थी, खाना बिल्कुल कम खाता था मैं। तो चलो आशिक भाई ने मेरा हाल देखा ना, बोला कि आप कमज़ोर हो। अभी आशिक भाई बोल रहा है कि मेरे जैसा कुछ दिनों के अंदर मैं आपको अपने जैसा बना लूँ। और आशिक भाई के देखें डोले शोले, लेकिन भाई की ना कल यार ये बात जल गई। देख रहे ये खाने वाला जो ये प्रेशर है ना, ये इसके साथ जल गया भाई। इसके लिए भी कुछ लाना था, ट्यूब वूब क्या चल पानी इसके ऊपर, तो अब वो बन गया है अब कवर, लेकिन अभी कच्चा है। हाँ अभी कच्चा है, इसका क्या करेंगे, ये जख्म है, ये खुद ब खुद ही ठीक होगा। तो गाइस हमने पीछे से भी त्रिपाल खोल दिया, पीछे से भी इसको हवा लगनी चाहिए। फटा भाई बाहर आ गया है, पूरा टेढ़ा हो गया फटा। ओहो क्योंकि यहाँ से भी एयर जाना चाहिए ना अंदर साइडों से भी। अभी तो हवा बिल्कुल अच्छी है, देख रहे हैं। तो दोस्तों आ चुके हैं यूनुस भाई की गाड़ी लोड करके, ये देख रहे हो बिल्कुल सामने। और इसका थोड़ा सा रिव्यू करवाते हैं, टायरों का, अलाइनमेंट का और त्रिपाल बॉडी का। मतलब ये 14 टायरी गाड़ी है, तो फेज़ 2 है ना यूनुस भाई, फेज़ 2 गाड़ी है। तो सबसे पहले देखते हैं यूनुस भाई के टायर की जो रिम होती है ना भाई, भाई ने सब रिमू पर फेज़ करवाया, क्योंकि टायर दबा रही थी, कोई साइड कैसा कोई कैसा चॉइसिस में आई थी, लेकिन फिर भी भाई ने सब रिम में ऐसे ही करवाया। तो यूनुस भाई क्या लगा तब से, टायर अच्छे खा रही है? अच्छा, तो वैसे मेरे आइडिया आपके आइडिया से भी मतलब ये करवाना चाहिए हर किसी गाड़ी में, चॉइसेस। हाँ चॉइसेस गाड़ी हर किसी में करवाना चाहिए। और यहाँ देख रहे हो भाई, यहाँ देख रहे हो, तो लिफ्ट कौन सा टायर में, ये वाला टायर उठता है? लिफ्ट वाला ही है। अच्छा वहाँ पीछे, तो ये वाला है जो ये लिफ्ट वाला टायर है, ये खुद ब खुद उठ जाता है डाउन, तो वो जो है वो डाउन ही रहता है। तो व्हील कप वगैरह तो लगा ही नहीं, अच्छा किया नहीं, बहुत अच्छा। हवा रहती है ना टायर में, हवा रहनी ही चाहिए। और देखिए कलर भी देख लीजिए आप कैसा है, बिल्कुल मस्त है। लेकिन जो ये वाटरप्रूफ शीट है ये 2-4 इंची थोड़ी कम है, ये यहाँ कुंडे तक होनी चाहिए। दरअसल इसके ऊपर से इसने थोड़ी हाइट बढ़ाई है इसकी, इसीलिए कम आ रहा है तो तुमके हाइट, तो बहुत अच्छा। तो चलो अंदर कैबिन से का भी थोड़ा करवाएंगे। और बॉडी ना बिल्कुल सिंपल, कोई लिखाई कोई कुछ नहीं है, सिर्फ KFC, कोई कुछ नहीं है। तो कितना टाइम हो गया यूनुस भाई इस गाड़ी को? हो गए 6-7 महीने। 6-7 महीने आपको मुबारक है। अब तो यूनुस भाई की एक 12 टायरी भी थी पहले, वो भी है अभी, लेकिन अभी फिर से यूनुस भाई ने ये 14 टायरी लाई है, तो अच्छी बात है। तो इसका थोड़ा पीछे से भी देख लेते हैं, टायर कहाँ रखा है? टायर घर में है भाई। अच्छा किया, बाकी आपके टायर तो अभी नए टायर हैं। और देखिए भाई का डाला वगैरह, बिल्कुल सिंपल गाड़ी है भाई, देखो कितनी अच्छी लग रही है। सिंपल चीज़ ना बहुत अच्छी लगती है। यहाँ पे कैमरा भी सेट किया हुआ है, ये सेंसर हैं ये वाले। तो चलो भाई अंदर से इसका थोड़ा रिव्यू करवाते हैं। और यूनुस भाई की गाड़ी का बिल्कुल शो देखिए, ये फेज़ 2 गाड़ी है बिल्कुल, विद द जैगवार, जैसे कि मेरी गाड़ी में भी जैगवार लिखा हुआ है, ये बिल्कुल है। और देख रहे हैं सिंपल गाड़ी है, वाइट वाइट टेप लगा है, वहाँ पे मेरी पे रेड है लेकिन ये वाइट है। तो चलो अंदर से करवाते हैं इसका रिव्यू। तो दोस्तों आ चुका हूँ अंदर गाड़ी में, और देखिए यहाँ पे डिश मतलब मीटर वाली, जो इसका चॉइसेस आता है ना अपना, वो सब कुछ निकाल के रखा है। मतलब ये वाला ना मेरी सेम मेरी गाड़ी का है। और कैबिन ना बिल्कुल देखिए भाई सिंपल रखा है, और ब्लैक कलर का है, ब्लैक उतना ब्लैक भी नहीं है, मतलब इसमें दो थोड़ी लकीरें डाली हुई हैं ये वाली। शीशे भी देखो भाई कौन से मस्त है। यूनुस भाई तो पहले से ही सिंपल गाड़ी रखता था, लेकिन फिर भी अभी भी सिंपल ही है नई गाड़ी। और ये 3 छती गाड़ी है, इसमें नक्शा डाला गया है। जो हमारी गाड़ी है ना वो बिल्कुल मतलब उसमें कुछ कोई नक्शा नहीं है, इसमें फिर भी नक्शा डाला हुआ है। और ये वाले बॉक्स है, वो एक बॉक्स है, वो बॉक्स है वहाँ छोटे छोटे, और ये वाला बॉक्स जो देख रहे हैं ना इसमें होता है बिस्तर वगैरह रखते हैं। देखिए
अंदर से देखिए भाई क्या मस्त। और उस्ताद जी आप ठीक हो? हाँ ठीक। तो ये यूनुस भाई के साथ होते हैं सेकंड ड्राइवर, तो ये गाड़ी वगैरह भी चलाते हैं। तो अभी यहाँ पे चाय का सिस्टम, लेकिन मुझे लग रहा है भाई इसके अंदर बहुत जगह है यार, है ना? हाँ। इसके अंदर का बहुत जगह है। और यहाँ देखिए भाई चाय वगैरह भी बन रही है इतना सा, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। स्टेयरिंग ये वहीं से साथ में आता है ना? हाँ। इसमें यहाँ हॉर्न भी है, प्रेशर हॉर्न लगा है, ये अलग अलग साउंड का होता है। नमक वाला, मसाले वाला डब्बा। देखिए भाई यहाँ पे खाने काबा का फोटो लगा है और दुआएं, और ये वाली एलसीडी। एलसीडी की बात की जाए तो इसमें बैक कैमरा भी इसी में सेट रहता है, यहाँ से कोई बटन होगा जैसे मेरी गाड़ी में है, इसमें हाँ। भी एक बटन है, तो बैक कैमरा इसके खुद ब खुद यहाँ पे आ जाता है ना भाई? हाँ। देखिए सर ये वाली ना कभी ऐसे, ये मेरे पास नहीं है भाई, ये मेरे लगाना है ये वाली। ठीक ठीक ठीक। देखिए भाई क्या मस्त है। तो चलो भाई, ये 8 गियर वाली गियर गाड़ी है, 8 गियर है इस गाड़ी में, फेज 2 में 8 गियर आती है। तो चलो भाई अच्छा लगा, अच्छी गाड़ी है भाई ने, बहुत अच्छी गाड़ी बनाई है। तो जो भी भाई गाड़ियां बना रहे हैं अभी तक, मतलब पंजाब में कहीं भी, तो वो भी गाड़ी मतलब देख के बनाएं, थोड़ा सिंपल गाड़ी बनाएं, सिंपल गाड़ी बहुत अच्छी लगती है। और सनमेका सबसे बड़ी चीज़ है, सनमेका अच्छे कलर का और सिंपल। बज चुके हैं तो हम भी अभी बैठे हैं चाय वगैरह पी के, और अभी 8 बजे इन्वेंट्री खुलेगी अगरतला की, और अभी रानी बाजार लेके जाना है। तो यहाँ पे हमने काट दिया अभी एक तरबूज, तो ये खाने वाले हम, लेकिन क्या ही करें, मतलब जैसा महाराष्ट्र का माल होता है ना वैसे, ये वैसा ये माल नहीं है। देखो भाई अंदर से मतलब ये कलर आ रहा है, बिल्कुल एसिड इस टाइप में होना चाहिए। तो चलो खा के और निकलते हैं यहाँ से जल्दी, ये माल करते हैं उनको हवाले, भाई बोलेंगे उतारो जल्दी जल्दी। तो दोस्तों पहुंच ही चुके थे गोल बाज़ार, केलापति है ना, गोल बाज़ार कोलापति, तो यहाँ पे है मंडी, ये बिल्कुल देख सकते हैं आप सामने। और ये ट्रक्स वगैरह जितने भी हैं, फल वाले ट्रक लगे हैं, किसी में क्या लोड है, किसी में वहाँ पे केले रखे, और यहाँ पे खाली। और अपने साथ ये भाई हैं जो कि हमारे मतलब मंडी में यही खाली करेंगे कल गाड़ी, इन्हीं का माल है। दोस्तों खाना वगैरह हमने खा लिया, तो और यहाँ पे लाए थे दही, लेकिन ये वाला ना बहुत मीठा है, चीनी वाला, तो चीनी वाला तो हम खाते नहीं हैं। यहाँ भी मैंने सोचा ये खट्टा होगा, लेकिन ये 50 रुपये का लाया था भाई, मिट्टी के बर्तन में, देख रहे हो क्या चीज़ है भाई, बहुत अच्छा था, लेकिन इसमें ना ये प्रॉब्लम हो गई, ये मीठा है। तो अभी ये इसको हम फेंक ही देंगे कहीं साइड पर, हम खाएँगे नहीं। तो खाना वगैरह भी खा लिया, और यहीं पर अभी देखते हैं कितने बजे लगाएंगे पॉइंट पे गाड़ी। अभी तो गाड़ी एक लगी है, वो निकलेगी उसके बाद ही। तो चलो करते हैं आज का व्लॉग भी यहीं पे एंड। तो भाई जिसने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब ज़रूर करते जाना, और सपोर्ट बनाए रखो, एक शेयर तो ज़रूर बनता है, कमेंट भी किया करो। तो चलो करते हैं आज का व्लॉग यहीं पे एंड, तो मिलते हैं मैं आपको अगले व्लॉग में, दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।